हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दवाई में नियमत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्मीफोर्ट क्रीम के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इसे किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके यूजेस से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं और इसके प्रिकॉशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो दोस्तों, तभी आप डर्मीफोर्ट क्रीम के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। यदि आपके त्वचा पर किसी भी प्रकार के लेशन हुए है तो आप इस डर्मीफोर्ट क्रीम का यूज करें। इस क्रीम के बहुत सारे उपयोग है, वे हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम इसका कंपोजिशन देखते हैं। इस क्रीम के अंदर क्लोबेटासोल, गेंटामाइसिन, देन क्लियोक्यूनॉल, किटोकोनाजोल और टालनाफ्टेट होता है। ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करने का काम करते हैं। स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि लेशंस या ब्लिस्टर या तो मैक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो इसे ठीक करने का काम ये डर्मीफोर्ट क्रीम करता है। अब इस क्रीम के यूजेस देखते हैं। इस क्रीम का मेन यूज डर्माटाइटिस में करते हैं, देन सोरियासिस में भी इस क्रीम का यूज करते हैं, देन स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होने पर इस क्रीम का उपयोग करते हैं, देन एथलीट्स फुट और एक्जाइमा, इन दोनों केसेस में भी इस डर्मीफोर्ट क्रीम का यूज करते हैं। ये मेन इस क्रीम के यूजेस है। अब हम इसे कैसे लगाना है वो देखते हैं। इस क्रीम को आपको जो अफेक्टेड एरिया है, मतलब जिस जगह पर आपको लीशन या तो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है, वहां पर आपको इस क्रीम को लगाना है। इस क्रीम को आपको दिन में 2 या 3 बार लगाना है और जो डॉक्टर ने आपको फुल कोर्स ट्रीटमेंट बताई है उतने दिन आपको इस क्रीम को लगाना है। अब हम इस क्रीम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इसके अंदर 5 ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है क्लोबेटासोल। ये क्लोबेटासोल स्टेरॉइड होता है। देन सेकेंड है गेंटामाइसिन। गेंटामाइसिन ये एंटीबायोटिक है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होती है उनको किल करने का काम करते हैं, तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग होता है। देन किटोकोनाजोल, क्लियोक्यूनॉल और टॉलनाफ्टेट, ये तीनों एंटीफंगल है। एंटीफंगल यानी ये फंगस को किल करने का काम करते हैं। देन इस क्रीम से जुड़े प्रिकॉशंस कौन कौन से है। ये जो क्रीम है वो आपको स्किन के ऊपर एक्सटर्नली लगाना है, लेकिन आईज, नोज और माउथ के कॉन्टेक्ट में इस क्रीम को आपको नहीं लाना है। देन कभी कभी यदि आप ये क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद आपको माइनर बर्निंग होती है, यानी जलन सी होती है, देन स्टिंगिंग यानी चुभता है और इरिटेशन होता है। यदि ये सिम्टम्स लंबे समय तक रहते हैं तो आपको ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी है डर्मीफोर्ट क्रीम की। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू गाइज़।